हिमाचल के रामपुर में बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में दुल्हन के भाई सहित चार लोगों की मौत हुई है। हादसा रामपुर उपमंडल के खनाश और शलून कैंची के बीच हुआ है। यहां पर एक कार गहरी खाई में जा गिरी। कार सवार विदाई के बाद दुल्हन को ससुराल छोड़कर वापस घर जा रहे थे। हादसे में एक व्यक्ति, एक युवक और दो युवतियों की जान गई है। बता दें कि रामपुर क्षेत्र के कलेड़ा से बारात चकली गांव गई थी। दुल्हन को विदा कर बारात वापस कलेड़ा चली गई। दुल्हन का भाई अविनाश मेहता, पुत्र देवेंद्र मेहता निवासी चकली और अन्य रिश्तेदार संदीप, पुत्र चेतराम, हिमानी पुत्र दिलीप सिंह, सुमन पुत्री भाग सिंह और शिवानी पुत्री दिलीप सिंह तीनों निवासी कुखी दरकाली भी कलेड़ा गए थे। दुल्हन को कलेड़ा छोड़ने के बाद सभी कार में सवार होकर चकली की तरफ लौट रहे थे। बुधवार सुबह खनाश और शलून कैंची के बीच कार अनियंत्रित होकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में दुल्हन के भाई अविनाश, संदीप, हिमानी और सुमन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं शिवानी गंभीर रूप से घायल है। घायल को अस्पताल ले जाया गया है। गाड़ी में कुल 5 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलने के बाद रामपुर पुलिस स्टेशन से टीम मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। डीएसपी रामपुर शिवानी महला ने हादसे की पुष्टि की है। हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।